हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ, इस विंटर में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें कि वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, उसके बगल में जो छोटी सी घंटी दी उसे भी जरूर दबाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है और वो बेल बटन आपको बता देंगे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट एसटीआरटीडी। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम, एंड यू आर विद नम्रता। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं विंटर हेयर केयर की, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि विंटर में आपको क्या नहीं करना चाहिए। अवॉइड हेयर वॉश फ्रिक्वेंटली। अगर आप फीमेल हैं तो मेक श्योर करें कि 2 से 3 डेज के बाद ही आप हेयर वॉश करें, क्योंकि अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो 4 to 5 डेज का गैप ले लेती हूँ हेयर वॉश करने के लिए, क्योंकि इस विंटर में बहुत ज्यादा हेयर वॉश करने की वजह से ड्राई हो जाएगा स्कैल्प, और स्कैल्प ड्राई होने की वजह से आपको डैंड्रफ हो जाती है। और अगर आप हैं मेल तो मेक श्योर करें कि 2 डेज के बाद आप आराम से हेयर वॉश कर सकते हैं। अवॉइड योर रेगुलर टॉवल। यस, आपने सही सुना, जब आप हेयर वॉश कर लेते हैं उसके बाद अपने टॉवल से ड्राई करते हैं अपने हेयर को, टॉवल का जो फैब्रिक होता है उसकी वजह से आपके जो हेयर है वो टूट जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप कोई कॉटन टी शर्ट ले, हेयर वॉश करने के बाद हेयर को रैप करें, और जब तक वो थोड़ा ड्राई ना हो जाए, पूरा का पूरा वॉटर वो टी शर्ट ऑब्जर्व ना कर ले, तब तक आप उसे उसी तरीके से रैप रहने दें, और उसके बाद निकालने के बाद आप अपना रेगुलर टॉवल यूज कर सकते हैं। अवॉइड हॉट वाटर। आपको हॉट वाटर से अपना हेयर वॉश नहीं करना है। हॉट वाटर से हेयर वॉश करने की वजह से आपका जो स्कैल्प है वो ऑयल छोड़ता है, और उसकी वजह से आपको डैंड्रफ होता है। तो मेक श्योर करें कि आपको हॉट वाटर नहीं, लूकवॉर्म वाटर आप यूज कर सकते हैं अपने हेयर को वॉश करने के लिए। अवॉइड हेयर ड्रायर। जितना पॉसिबल हो सके अपने हेयर को नेचुरल एयर में ड्राई करें। अगर स्टिल आपको हेयर ड्रायर की जरूरत पड़ जाती है तो मेक श्योर करें कि उसे कोल्ड सेटिंग पे रखने के बाद आप उसे यूज करें। हेयर वॉश करने के बाद आप हेयर कंडीशनर जरूर यूज करें, बट मेक श्योर करें जब आप हेयर कंडीशनर अप्लाई कर रहे हैं तो हेयर के मिडल से लेके एंड तक आपको अप्लाई करना है, रूट से अप्लाई नहीं करना है। कंडीशनर आपके हेयर को काफी स्मूथ बना देता है, जो हेयर में ड्राइनेस होती है वो चली जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको हो रही है बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स तो आपको हेयर कंडीशनर नहीं यूज करना है। हेयर वॉश और कंडीशनर अप्लाई करने के बाद एक हेयर सीरम जरूर अप्लाई करें, उससे आपके हेयर की जो है रफनेस वो चली जाएगी, इसके साथ ही आपके हेयर में एक शाइन आ जाएगी। तो मेक श्योर करें हेयर सीरम जरूर यूज करें। हेयर सीरम भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जिसे स्कैल्प से लगाया जाता है, और मैक्स टू मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा हेयर सीरम होते हैं जो आपको सिर्फ अपने हेयर लेंथ पे लगाना है। इसलिए जो भी हेयर सीरम आप यूज कर रहे हैं उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो जरूर एक बार पढ़ लें। हफ्ते में एक बार प्रोटीन हेयर मास्क जरूर अप्लाई करें, और मेक श्योर करें कि वो मार्केट का हेयर मास्क ना हो कि घर का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलरेडी मैंने एक हेयर मास्क बताया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही और भी हेयर मास्क मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब, उसके बगल में छोटी सी घंटी दी गई है उसे जरूर बजाएं, क्योंकि वही नोटिफाई करेगी मेरे न्यू वीडियोस आपको। एक क्विक हेयर मास्क आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपके हेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं, एक बनाना और हनी और उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल, इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे अप्लाई करें, आपके हेयर काफी स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन मेक श्योर करें इसे आप हर वीक करें, एक दो बार करने से इसका असर नहीं दिखेगा। अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेक श्योर करें जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हैं उसमें होना चाहिए सिलिलिक एसिड, सिलिलियम सल्फेट एंड जिपिटो, ये 3 चीजें आपके शैम्पू में जरूर हो, और उसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप अपने शैम्पू के इंग्रेडिएंट में देख सकते हैं। डैंड्रफ के लिए एक घर का सोल्यूशन DIY मैं आपको बता रही हूँ। एक बाउल में कोकोनट ऑयल ले, उसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करें, अपने रूट्स पे आप अप्लाई करें, जिससे कि आपका डैंड्रफ है वो जल्दी से जल्दी चला जाए। इसके साथ ही आप चाहें
तो कोकोनट ऑयल की जगह पे आप ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें करने के बाद भी कुछ लोगों के डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं जाती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है आप अपने डाइट में प्रोटीन कार्ब्स नहीं इंक्लूड करते, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे हेयर के लिए। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें जिससे कि आपके हेयर हेल्दी हो और आपको हेयर फॉल डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना। तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी दी गई उसे जरूर बजाएं, क्योंकि वही नोटिफिकेशन दे देगी मेरे न्यू वीडियो के। साथ ही गाइस ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।